हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माइसेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो या फिर लाइव अपडेट हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, आप कुछ भी मिस आउट ना करें। बस एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है और राजस्थान बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, रेजिस्टिविटी की हमने बात इससे पहले भी करके रखी हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसको और ज्यादा डीप में देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या है, मैं कुछ टेबल्स आपको दिखाऊंगा जहां पे एक मटेरियल का नाम लिखा रहेगा और सामने लिखी रहेगी उसकी रेजिस्टिविटी, ताकि अगर कभी आपको कुछ नीड पड़ जाए तो यू कैन इजीली रिफर दैट पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए आपको शुरुआत देते हैं इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड से। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में ना डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक बार अपन डिस्कस कर लें उसके बाद स्लाइड्स को रिफर किया जाए। ठीक है, एक बार हम डिस्कस कर लें उसके बाद स्लाइड को रिफर किया जाए। देखिए, कभी कभी ना आपके सामने एक स्टेटमेंट आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो लोग सोचते हैं क्या कंडक्टर का तो मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर जाएंगे, तो वहां पे क्यों कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखिए बेटा, यह आपका सोचना बिल्कुल सही है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े आराम से फ्लो कर जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप उसको बहुत माइक्रोस्कोपिकली चेक करेंगे तो आपको समझ में आता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे ना उस कंडक्टर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि उनकी आपसी टक्करें नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोलिजन्स नहीं हो रहे हैं। कोलिजन्स तो हो रहे हैं, लेकिन हाँ, हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर कंडक्टर है तो कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम हो रहे हैं, और अगर इंसुलेटर होता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन इतने आराम से फ्लो नहीं कर पाता है, दूसरा अगर फ्लो करेगा भी तो आसपास टक्कर जो है ना, जो फ्रीक्वेंट जो कोलिजन्स है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, जीरो रेजिस्टेंस तो नहीं होता, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, चलिए अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। अगर हम किसी एक वायर का मैग्नीफाइड लुक लेते हैं, ठीक है बेटा, हमने किसी वायर का क्या ले लिया बेटा, ये मैग्नीफाइड लुक ले लिया, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द थिंग इज दिस, कि अगर मैं इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट मी हेल्प यू विद द बेसिक आइडिया। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। यार ये रहता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ कि ना, पक्की बात है। तो ये साइड वाला भी क्या रहेगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने चलो ए से कर दिया है रिप्रेजेंट। ठीक है, अगर आप समझें इस पूरी बात को, तो ये एल जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये वाला फंडा भी आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। अब देखो होता क्या है, इस पर्टिकुलर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो दरअसल दो चीजों पर डिपेंड करेगा, और बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, लेंथ पर डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। लेकिन डिपेंडेंसी डायरेक्ट है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कहां कैसा मसला होगा, वो जरा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा पहली बात आप समझिएगा कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या बोला मैंने, रेजिस्टेंस जो होता है दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या रहा होगा, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही साधारण सा था। इसका लॉजिक ये था, देखिए अगर लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे तो उनको लंबा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे एक वायर में जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। जब पाथ बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा तो क्या होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। छोटा रास्ता अगर होता तो कम, छोटा पाथ अगर ट्रैवल करना होता तो कम कोलिजन्स की पॉसिबिलिटी होती, लेकिन अगर
बहुत ही लंबा पाथ ट्रैवल करना है तो वहां पर कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इफ लेंथ इज मोर पाथ इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। ठीक है, इससे होता क्या है कि जो कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस। और आप भी इस बात से बाकायदा वाकिफ हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में परेशानी नहीं आ रही है तो रेजिस्टेंस कम होगा। नहीं आ रही है से मेरा मतलब ये नहीं कि जीरो ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में परेशानी नहीं आ रही है मतलब बेसिकली कम परेशानी आ रही है। ठीक है, अगर कम परेशानी आएगी कम तो फिर कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे, अगर बहुत बार कोलिजन्स हो रहे हैं मतलब बहुत परेशानी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स को एक कदम भी आगे चलने में, तो मतलब वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, इतना पूरा फंडा क्लियर आपके दिमाग में? तो अगर लेंथ ज्यादा बड़ा होगा, पाथ लंबा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर हुआ? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा उतना रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए कहा गया है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो पहला वाला इक्वेशन है वो आपको अच्छे से तसल्ली से समझ में आ गई होगी वाली बात। ठीक है, अपने पास फर्स्ट हो गया। अब जरा दूसरे वाले अपन इक्वेशन की जरा बात कर लें, दूसरे डिपेंडेंसी की बात करें। ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि जब मैंने ये वायर बनाया ना तो मुझे बेसिकली ये निकालना है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहले तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उसका फंडा अपन लोगों ने पूरा क्लियर आउट कर लिया। दूसरा क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस जो है दिस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहा गया है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर इज इनवर्सली proportional to the area of cross section, it's as simple as that। इसका सीधा साधा मतलब देखो भैया क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, मेरी बातों पर सुनते हुए चलना अच्छे से, बहुत सुप्रीम तरह से ध्यान देते हुए चलना। अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है इसका मतलब वायर मोटा है, अगर वायर मोटा है इसका मतलब वायर के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या, एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस छोटा। इसको उल्टे में देख लो, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है इसका मतलब वायर पतला है, अगर वायर पतला है तो अंदर का स्पेस बहुत ज्यादा सा कंजेस्टेड सा है, अब जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने का ट्राई करेंगे तो बड़ी परेशानी होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस बिकम्स ओके, एक सेकंड, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर टू, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर टू, जल्दी आ जाओ। अब जैसे हमने इन दोनों को क्लब कर दिया था, आपके दिमाग में पहली फुर्सत में ये दो चीजें अच्छे से घर कर लेनी चाहिए कि R is proportional to L and R is inversely proportional to A। ठीक है, तो जैसे ही हम कंबाइन कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, जैसे हम कंबाइन कर देंगे इक्वेशन वन एंड टू को तो हमें क्या बात समझ में आती है बेटा, हमें ये बात समझ में आती है कि R is proportional to rho, सॉरी R is proportional to L, inversely proportional to A। अब जैसे ही मैं यहां पे इक्वल टू लगाता हूं तो वैसे मेजरली क्या होता है ना कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो के आता है, लेकिन यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको अपन ने रो मान के रखा हुआ है, तो R is equals to क्या हो जाएगा बेटा, रो टाइम्स L by A, R is equals to क्या हो जाएगा बेटा, रो टाइम्स L by A, it's as simple as that, R is equals to हो जाएगा रो टाइम्स L by A। तो ये रहेगा अपने पास बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला जहां पे रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इस बात पे आप जरा अच्छे से गौर करें कि रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? तो अपन जरा इसको यहां पे लिख लेते हैं, अपन जरा इसको यहां पे लिख लेते हैं कि दिस रो, ये जो रो है ना इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, क्लास टेंथ तक तो हम लोगों ने रेजिस्टिविटी का ही नाम लेके रखा है। ठीक है, या फिर आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो बेटा, रेजिस्टिविटी कह दो या फिर आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दो, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। अब ये रो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रो डिपेंड्स ऑन,
रो का मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा एंड ऑल्सो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, और एक और बात पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अब यार ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंसी और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कोई मैथमेटिकल सपोर्ट दिया गया है? तो बिल्कुल मैथमेटिकल सपोर्ट दिया गया है इस बात को लेकर के, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करो, जितना यहां बता दिया एक बार जरा उसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद बाकी सारी चीजें भी करवाता हूं। इतना पूरा फंडा क्लियर है बेटा? 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले ये वाला पूरा फंडा क्लियर है, R is equals to क्या हो चुका है, रो एल बाई ए, ठीक है। अब इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर अपन एक स्पेसिफिक कंडीशन मान ले, ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से, ठीक है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि जैसे मान ले लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों हो चुका है यूनिटी, क्या बोला मैंने कि अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों हो चुका है यूनिटी, तो उस वाले केस में क्या होने वाला है जरा गौर करेंगे। अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों हो चुका है यूनिटी तो रो एल ओवर ए, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू रो, अच्छा एल कितना हो गया है 1 और ए कितना हो गया है 1, तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है भैया। ये वाला फंडा क्लियर हुआ? तो ये जो रेजिस्टिविटी था ना, इसको आप स्पेसिफिकली, सुनना मेरी बात को अच्छे से, जो रेजिस्टिविटी था इसको आप स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस के बराबर बोल सकते हो, बट एट अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूनिटी लेंथ एंड यूनिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्या तुम समझ पा रहे हो उस बात को? रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, लेकिन उसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ओनली एट अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन, जहां पे लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों किसके बराबर हो जाए, यूनिटी के बराबर, तो रो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लगे हाथ ना अपन इसकी यूनिट भी निकाल देते हैं, लगे हाथ अपन एक काम करते हैं इसकी यूनिट भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आर इज इक्वल्स टू क्या आया बेटा, रो एल बाई ए, ठीक है। तो देयरफॉर जब मैं रो निकालूंगा तो रो क्या हो जाएगा, आर ए ओवर एल, ठीक है। अब जरा गौर करना भाई, ये जो आर लिखा है, आर का मतलब क्या होता है, ओम होता है। आर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद एरिया का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, मीटर। तो यहां पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ओम मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा था भैया, एक पॉइंट आया था ना कि सर ये जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो उसके लिए ना हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार सा एक्सपैंडेड फॉर्मूला चेक किया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं एक चीज, एक्सपैंडेड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बार जो उसका एक्सपैंडेड फॉर्मूला है जरा इस पर गौर किया जाए तो मजा आएगा, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक एक्सपेंडेड फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, मैं आपको बता दूं जरा बेटा, वो ऐसा आया था, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यहां पे आ गया था एल ओवर ए, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लास 10th के बेसिक फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, रो टाइम्स L बाई ए, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि भैया देयरफॉर जो रेजिस्टिविटी है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां पे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही होगी, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है, एम तो हो गया मास, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं, मास और खास तौर से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यार ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो ये एम और एन जो है ना, ये बेसिकली मटेरियल पर डिपेंड करेगा, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग मास, अलग अलग नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई तो खैर फिर भी कांस्टेंट है। अब ये जो टाउ का मसला है, ठीक है, तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई,
M और N, ठीक है, ये ऐसा बता रहे हैं कि भैया रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, जो मैंने यहां पे लिख करके रखा है नेचर ऑफ द मटेरियल। लेकिन अब जो यहां पे टेम्परेचर लिखा हुआ था, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी है, कोई भी टाउ को टेम्परेचर मत समझना, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला वीडियो जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, जरा गौर करें बातों पर अच्छे से, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बहुत ज्यादा रैंडम हो जाएगा और उस केस में कोलिजन जो है इलेक्ट्रॉन्स के वो बढ़ जाएंगे। क्या बोला मैंने, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स के जो कोलिजन है वो बढ़ जाएंगे, अगर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, पक्का, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। नाउ यू कैन ऑब्वियसली सी कि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर यहां पर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए कहा जाता है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर एज वेल। अब ये वाला पूरा फंडा आपके दिलो दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया है क्या, जल्दी मुझे यहां तक कंफर्मेशन दो बेटा, ये वाला पूरा फंडा यहां तक सुप्रीमली क्लियर हो गया है। चलें, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये वीडियो ना समझ में आ रहा है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, तो अपना प्यार बरसाओ, इस वीडियो को लाइक करते हुए चलना, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपका दिमाग में हो चुका है क्लियर। अब जरा आपको स्लाइड पे लेके चलते, मैंने वही कहा था कि पहले एक बार अपन बात कर लें आपस में, उसके बाद फिर अपन ने स्लाइड्स पे क्या क्या लिख के रखा है आप लोग के लिए उसको देख लेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, जी जी जी, शुरू करते हैं, हाइलाइटर ले लें एक बार। चलो, तो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, ठीक है, इज डिफाइंड एज द, है वो रेजिस्टेंस ही, लेकिन कब रेजिस्टेंस है, जब यूनिट लेंथ ले लिया जाए और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए मटेरियल का, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वही वाला फंडा था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर एल और ए दोनों की वैल्यू वन के बराबर ले ली जाती है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसी स्पेसिफिक कंडीशन पे नाम डल गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाला फंडा, ये बेसिक डेफिनेशन है बेटा रेजिस्टिविटी की, ये बेसिक डेफिनेशन है, मेरे ख्याल में समझ गए होगे। चलें आगे बढ़ें क्या इसमें, चलो सर आगे बढ़ेंगे इसमें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो कि मैंने आप लोग के सामने पूरा बकायदा बहुत ही सुंदर तरह से निकाल के रख दी थी, दिस इज ओम मीटर, ठीक है, दिस इज द यूनिट, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे तो जरा यहां पे देख लो, सेम फंडा सेम काम करा गया, आगे इसकी यूनिट ओम मीटर, ठीक है। अब मैटर है कि सर ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और भाई साहब इससे करेंगे इससे, अब मैटर है कि सर ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना रेजिस्टिविटी का, वो कैसे निकाला जाएगा। तो अब मैं पूरी कहानी को शुरू करता हूं, मैं ये चाहूंगा बेटा, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि एक बार आप भी सेल्फ ट्राई कर लें और डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का निकाल करके मेरे को बता दें, एक बार सेल्फ ट्राई कर लो, हो गया क्या, चलो चलो चलो। अब एक बार तुमको ना मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। चलो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब डायमेंशंस निकालने वाले हैं किसके, डायमेंशंस हम निकालने वाले हैं किसके बेटा, रेजिस्टिविटी के निकालने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ना, वैसे कायदे की बात तो ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन डायमेंशंस पूछ लिए जाते हैं हर कभी किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला क्लास 11th में सही से पढ़ के नहीं रखा है तो मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, एक प्लेलिस्ट अपनी बनी इस साल की क्लास 11th की, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लेना, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पढ़ा के रखा है वहां पे, मैंने अपना खुद से
एक बनाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है मेरा, कॉन्सेप्ट ऑफ कफ, जिसमें सी का मतलब है चार्ट, यू का मतलब है यूनिट, एफ का मतलब है फॉर्मूला। वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं वेरियस क्वांटिटीज का, आप भी निकाल सकते हो, जाकर के वो वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। चले आ जाए, डायमेंशन निकालना अपने को रो का, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रो आपने पहली बार कहां देखा, पहली दफा यहां पे देखा। R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो L बाय A के बराबर होता है, ठीक है। तो देयरफॉर जब रो अपन निकालेंगे तो वो क्या हो गया, R A बाय L, हाँ कि ना, पक्का। तो अब अपने दिमाग में ये वाला फंडा सेट कर लो कि हाँ भैया, R का निकाल लो डायमेंशनल फॉर्मूला, A का मतलब एरिया मतलब L का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा लेंथ मतलब L, तो कट जाएगा उससे, ठीक है। तो मेन मसला जो है वो है अभी रेजिस्टेंस निकालने के ऊपर, क्या निकालने के ऊपर, रेजिस्टेंस निकालने के ऊपर। तो फर्स्टली लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन। Now, अब मैटर का अटक रहा है कि भैया आर का डायमेंशनल फॉर्मूला कहां से आएगा, तो आर तो होता है वी ओवर आई, ठीक है। आर क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ मार दिया, आर क्या होता है वी ओवर आई होता है। अच्छा, वी यहां पर वेलोसिटी नहीं है कि मैं इसको एल टी माइनस वन बोल दूं, वी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। तो इसके लिए मुझे एक और नया फॉर्मूला यहां पर लगाना पड़ेगा। सर कौन सा फॉर्मूला, सुनो, R is equal to क्या हो चुका है बेटा, V over I। अब potential जो होता है ना, वो work upon charge होता है। Potential क्या होता है, work upon charge, और नीचे कौन पड़ी हुई है, I पड़ी हुई है, ठीक है भाई। अब यहां से मैं सारे के सारे dimensional formula खोल के आपके सामने रख सकता हूं, ठीक है। कैसे, work अपने पास क्या है, work है अपने पास ML2T minus 2, सही जा रहा हूं क्या। वर्क क्या अपने पास बेटा, ML2T-2। उसके बाद चार्ज क्या होता है, सर ये AT होता है। उसके बाद करंट क्या होता है, सर ये A होता है। तो अब एक काम करो, R निकाल लो यहां से, R निकाल ले यार, M हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने पास T-3 हो जाएगा, ये अपने पास A-2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा क्लियर हो चुका होगा। क्या करा, ML2T-2, चार्ज का AT और नीचे ये था, तो ML2T-3 A-2, शानदार, ठीक है। ये अपने पास सिर्फ रेजिस्टेंस आ चुका है, देयरफॉर अगर रो पे आप फोकस करें तो वो RA/L हो गया था, ठीक है। R कितना आ चुका है, M, L का स्क्वायर T-3 एम्पियर के लिए A-2। उसके बाद ये जो बाजू वाला A है ना बेटा, वो अपने पास क्या है, एरिया। तो उस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, वो लेंथ का स्क्वायर, और नीचे का लिखा है बेटा L लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, M, L का क्यूब T-3 A-2, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, ML3T-3 A-2, क्रॉस चेक कर लिया जाए, ML3T-3 A-2, इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3, 2, 1, रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले बेटा, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया आप लोगों ने, अब आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का पूरा फंडा क्लियर हो गया है। 3, 2, 1, रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले ओके, बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत शानदार, ठीक है, ये अपना हो चुका है। अब यहां पे आता है टैबुलर फॉर्म में डेटा, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। ये अलग अलग मटेरियल्स के नाम लिख के रखे हुए हैं और ये उनकी करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी की वैल्यू देके रखी हुई है एट टेम्परेचर 0 डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है ना, दैट इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। हम लोग निकाल चुके हैं इसका पूरा फॉर्मूला, पूरा मैथमेटिकल सपोर्ट के साथ बता के रखा है कि हाँ, रेजिस्टिविटी इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये अपने पास एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर लेना, ठीक है। पहले यहाँ पे कंडक्टर्स की बात करी गई है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, आयरन है, प्लैटिनम है, मर्क्यूरी है, ठीक है, सबकी रेजिस्टिविटी ये रही। उसके बाद अब यहाँ पे अलॉयस की बात की गई है, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ये आया समझ, ओम मीटर होती है इसकी यूनिट। और उसके बाद ये है अपने पास सेमीकंडक्टर्स, और मैं जरा आपको बता दूं कि ये जो नाम है जर्मेनियम, सिलिकन, इन दो नाम को ना दिमाग में डाल लेना, क्योंकि फिजिक्स में क्लास 12th में जो अपने पास लास्ट चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में पूरी की पूरी बातें सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम पे ही चलने वाली हैं। एक तरफा चैप्टर है भाई, वो बहुत ही शानदार चैप्टर है, ये दोनों उस चैप्टर के हीरो हैं, ठीक है। तो जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, 3, 2, 1, रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ओके,
इंसुलेटर्स, ग्लास हो गया, हार्ड रबर हो गया, माइका हो गया, वुड हो गया, एम्बर हो गया, प्लास्टिक्स भी होते हैं, तो ये रहेगा अपने पास में इंसुलेटर के लिए डेटा टेबुलर फॉर्म में। मैं चाहूंगा कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद आती है थोड़ी सी अटैच्ड थ्योरी, इसके बारे में 3-4 टर्म्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद कहानी जो है वो हो जाएगी समाप्त। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जरा गौर करें, पहले हम बात करेंगे अबाउट समथिंग लाइक करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को जे से करा जाएगा रिप्रेजेंट। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इफ यू हैविंग अ वायर, ठीक है, ये अपन ने बनाया वायर के दो क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। अच्छा, मैं बीच में भी एक क्रॉस सेक्शन ले सकता हूं, हाँ कि ना? मैं बीच में भी एक क्रॉस सेक्शन ले सकता हूं। इनफैक्ट मेरा जितना मन करे मैं उतने क्रॉस सेक्शंस को लेके आगे बढ़ सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है जब करंट पास करेगा इसके थ्रू, ठीक है। तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट से करंट पास करेगा, इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट से जो है वो करंट पास करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कितना करंट पास कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने? कितना करंट पास कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट पर्टिकुलर रेशियो इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी, जिसको आप जे से करेंगे रिप्रेजेंट। वो उस क्रॉस सेक्शन में से ना जो व्हाइट कलर के एरोज निकले हैं वो बेसिकली आपके पास होता है डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। अब सर, कन्वेंशनल करंट क्या होता है? तो बेटा, किसी भी सर्किट में पॉजिटिव चार्जेस के मोशन के डायरेक्शन में हम मानते हैं कि कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, और किसी भी सर्किट में नेगेटिव चार्जेस के डायरेक्शन ऑफ मोशन में हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं चाहूंगा कि ये जो करंट डेंसिटी का पूरा मसला है ना, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हुए चलना। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इज डिफाइंड एज द amount of current flowing per unit area of the conductor around that point provided the area is held in a direction normal to the current given that ki jo area hai ये जो अपने पास रेड कलर का जो एरिया है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। ये जो अपने पास रेड कलर का सर्कुलर एरिया था उसको अपन ने ऐसा मान लिया हाथ के बराबर, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल करंट है वो टक 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 करके ऐसे निकल रहा है, परपेंडिकुलर निकल रहा है। तो ये इसकी गिवन कंडीशन होती है। फॉर्मूला आ गया अपने पास करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। और मैं आपके सामने एक और बहुत ही खूबसूरत सी चीज लिख देता हूं, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए हो चुका है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जे इंटू ए, ठीक है। और इसमें आप एरिया को मानते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये कोई पहली बार नहीं है बेटा, हम लोग गॉस लॉ के अंदर भी एरिया को ट्रीट कर चुके हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या होता है कि करंट डेंसिटी भी वेक्टर होती है बेटा और एरिया भी वेक्टर होता है, तो इन दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन करोगे तभी मिलता है अपने को क्या? करंट। इन दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन करोगे तभी अपने को मिलता है करंट। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी, इसका मतलब क्या है बेटा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी मतलब जे एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी मतलब जे एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू करंट। और हम जानते हैं कि करंट जो होती है ना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम जानते हैं कि करंट जो होती है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से ही आएगी ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये आपके पास पूरा फंडा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले, ये वाला फंडा हो गया। अब जरा इस चीज को देखना शुरू करना, व्हाट इज एग्जैक्टली कंडक्टेंस। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो कंडक्टेंस को तो देख ही लिया होगा भाई। अब कंडक्टेंस में इतनी कोई बड़ी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। होता क्या है ना, एक बात सुनते हुए चलना, कंडक्टेंस बेसिकली रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और ये बहुत ही कॉमन सी बात इसलिए भी है बिकॉज अगर आप इसके शब्दों पर जाएं, रेजिस्टेंस इसका मतलब परेशानियां, कंडक्टेंस वैसे भी उसका उल्टा ही होता है, ठीक है। कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब कंडक्टेंस कम है, और अगर रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब कंडक्टेंस ही तो ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पे इवेंचुअली क्या हो गया, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को जी से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब ऑब्वियसली फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? देखो भैया, अब मस्त चीज है, यूनिट वैसे होनी चाहिए ओम का इनवर्स।
हाँ कि ना, यूनिट वैसी क्या होनी चाहिए बेटा, ओम का इन्वर्स। लेकिन इतनी प्यारी चीज है, ओम के इन्वर्स को ना अपन पूरा स्पेलिंग को पलट के लिख देंगे, एम एच ओ लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? एम एच ओ। ठीक है, एम एच ओ का मतलब क्या होता है? ओम इन्वर्स। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसका एक और यूनिट होता है, यहाँ पे लिखा है साइमन, एस आई ई एम ई एन, जिसको आप सीधे ऐसे कर देंगे रिप्रेजेंट। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। तो ये इतनी सिंपल सी चीज थी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3, 2, 1, रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा उसका उल्टा कर देना, दैट बिकम्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कंडक्टेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए अब आता है कंडक्टिविटी। भाई इसी से जुड़ता हुआ टर्म हम लोग पहले से पढ़ के रख चुके हैं, दैट वॉज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जैसे कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो वैसे ही कंडक्टिविटी, मतलब रो से सिग्मा से करेंगे इसको रिप्रेजेंट। तो जैसे रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, तो वैसे ही रेजिस्टिविटी इज reciprocal of conductivity, या फिर conductivity is reciprocal of resistivity. It's as simple as that. मेरे ख्याल से अब आपको ये वाला फंडा भी सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो वही लिखा हुआ है कि resistivity is reciprocal of conductivity. Sorry. कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। एस आई यूनिट यहाँ पर लिख करके रखी है। सर ये कैसे आ गई? तो जरा गौर करेंगे, अगर आप इस पर फोकस करें तो ये होती है ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है? एम एच ओ। ठीक है, और ये मीटर इनवर्स, इसको आप सीधे कह सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी सी ही बात है, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा अपन ने बेटा? यहाँ पे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, उसी को लिख दिया। और हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्मुला में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, मैंने एक्सपेंडेड फॉर्मूला पे लिखा था, वैसे यहाँ पे शायद मिटा दिया हो, देखना पड़ेगा एक बार। अरे वाह, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसका उल्टा कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा? कंडक्टिविटी, मतलब एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m। तो वही लिखा होगा यहाँ पे, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m। और हम रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके थे, उसी का रेसिप्रोकल कर देना, तो बन जाएगा कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1, रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा शानदार, जबरदस्त। ठीक है, चले बेटा निपटाएं इसको। अब बढ़ते हैं इसके आखिरी अंतिम पॉइंट के ऊपर, जहां पे एक रिलेशन निकलने वाला है बिटवीन द करंट डेंसिटी, बिटवीन ये अपने पास कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। देखो भाई, कहानी की शुरुआत कहां से करी? नावेद से। याद है ये वाला फॉर्मूला? कहानी की शुरुआत कहां से करी है बेटा? नावेद से करी है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां पे आई का मतलब करंट होता है, एन का मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ई का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ए का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और वी डी का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब क्या करा अपन ने, जैसे अपन ने आई, देखो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये तो आई चुका है। ठीक है, उसके बाद वी डी को अपन ने खोल दिया है ई ई टाउ बाई एम, इसका भी प्रॉपर डेरिवेशन मैं स्वयं करवा चुका हूं आप लोग को। ठीक है, ये बन गया इसके पास बहुत ही एक्सपेंडेड सा फॉर्मूला। ए को पट को नीचे, बिकॉज आई अपॉन ए क्या होता है? आई अपॉन ए होता है करंट डेंसिटी, तो ये जे लिख दिया इसको अपन ने। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या बचा है? देखो बेटा, एम एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, मतलब एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, विच इज बेसिकली क्या? विच इज बेसिकली कंडक्टिविटी। तो ये अपने पास बन गया जे के बराबर, ई को रखो बाहर, और ये अपने पास क्या बन गया? कंडक्टिविटी के बराबर। तो जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये रहेगा अपने पास में फाइनल फॉर्मूला। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बेसिक फंडे थे। तो मेरे ख्याल से ये वाला आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसे कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वैसे ओम्स लॉ क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ का, उसमें क्या आता है बेटा फॉर्मूला? जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये था हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटीरियल्स पर बेस्ड लेक्चर। मेरे ख्याल से आपको ये
शानदार सा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हुई है तो जरा इस वीडियो पे अपना प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों में और सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या जबरदस्त चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या शानदार चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तारीफें हैं, बुराइयां हैं, कुछ भी हैं, तो बहुत ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कॉमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है कॉमेंट सेक्शन को लेकर के। अगर आपका कोई भी फीडबैक देख के लगा कि हाँ भाई ये जेन्यून फीडबैक है, इस पर काम किया जा सकता है, तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। ठीक है, तो चलिए अब क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।